साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पवित्र पावन हजूरी विच बड़े अद्भुत सत्कार नाल जुड़ी गुरु प्यारी सत्संग जी आप सरबत माई पाई नूं बड़े अद्भुत सत्कार नाल प्यार नाल फतेह अर्ज है। परवान करो जी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ढाडी जथे ने वंदना कीती है, मंगलाचरण किया है संगत की मेहमान जो गुरु की संगत में आता है। पहली तो गल पंजा सत्ता दसों बीह बंदे दे इकट्ठ नूं संगत नहीं कहा जाता। संगत की डेफिनेशन है, संगत की परिभाषा है। महाराज कहिंदे संगत किहनूं कहा जाता है? सत संगत कैसी जानी? संगत किहनूं कहिंदे ने? बंदिआं दे इकट्ठ नूं नहीं, जिथे एको नाम खाणी है, जिथे केवल ते केवल नाम की चर्चा होंदी है। जदों चार बंदे जुड़ते ने परमेश्वर की गल करते हैं तो वह संगत है, सत संगत है। तो यह जे किसी को नसीब हो जाए, भाई साहब भाई नंद लाल जी की पावन बाणी उन्होंने रचना यह माण हासिल है। गुरु साहबान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दसम पातशाह जी बाणी तो बिना केवल दो महापुरख ने जिन्हों की बाणी में श्री हरिमंदर साहब के गायन किया जाता। दो महापुरख ने, एक ने भाई गुरदास जी जिन्हों की बाणी को गुरु ग्रंथ साहब जी की कुंजी किया गया है। भाई साहब भाई प्रदीप सिंह जी गुरु पातशाह जी इस नौजवान से बड़ी बख्शिश है कि दोपहर के दीवाना में भाई गुरदास जी के बारे की व्याख्या करते हैं। और सचमुच जे गुरु ग्रंथ साहब जी को समझना तो भाई गुरदास जी को पढ़ना पैंदा है। और दूसरे महापुरख ने भाई साहब भाई नंद लाल सिंह जी, उन्होंने बाणी रचना फारसी के विच है। मैं उन्होंने एक शेर कह लगा हाँ, वह कहते हैं सोहब ते नेका अगर बाशद नसीब, फारसी विच है पर जे समझी तो साढ़े रोजमर्रा की जिंदगी में शब्द वरते भी जाते हैं। सोहबत संगत को कहते हैं, नेका नेक बंदियां दी संगत। सोहबत नेका अगर बाशद नसीब, दौलत या वेद याबी ऐ हबीब, ऐ मित्र तेनों अविनाशी धन प्राप्त हो जाएगा जे तेनों नेक बंदियां दी संगत मिल जाए। चंगियां कोल बैठेगा बड़ा कुछ प्राप्त होगा, बुरियां दी संगत में जावेगा तबाह हो जाएगा। जो संगत में आता है दुनिया के उतर जाता है। नेक बंदियां दी संगत मिल जाए तो भाई साहब जी कहते हैं ये ना नाश होने वाला धन है। दुनियावी धन के खर्चिया से कट जाते हैं, परंतु यह गल यह है कि अगनत है पवन नहीं मगने तस्कर नेर ना आवे। अगनत है, अग साड़ नहीं सकती, पवन नहीं मगने, हवा उड़ा नहीं सकती। तस्कर कहते हैं चोर को, तस्कर नेर ना आवे, चोर ये नेड़े नहीं आता। राम नाम धन कर संजोनी, सो धन कथी ना जावे। तू जे ये नाम का धन इकट्ठा कर ले, यह मिलना कि तू संगत में। इस वास्ते गुरमत में संगत का सारे तो वड्डा दर्जा है। जदों सिद्धां ने गुरु नानक साहब जी का उन्होंने महान उच्चता वेख ले तो पूछया कि तुसीं सुमेर पर्वत ते पहुंचे किवें, कहड़ी चीज़ है तुहाडे कोल? उन्होंने कहा गुर शब्द संगत बिना दूजी ओट नहीं है ना संगत की महिमा। तो भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं सोहबते नेका अगर बाशद नसीब, दौलत या वेद याबी ऐ हबीब, जर्रा रा दीदम के खुशी ते जहां, शुद्ध सहजे सोहबते साहिब। ऐ बंदे जे तैनूं चंगियां बंदियां की संगत मिल जाए तो तू एक, मैं वेख्या संगत में आके एक मिट्टी का कणका भी संसार का सूरज बन जाता है। जिस नीच को ना जाने नाम जप तो चौंक उठना। संगत की एडी महिमा है, संगत की एडी गुरबाणी के विच गुरु पातशाह जी ने बख्श की तो मनुख की परायापन, मनुख की नफरत संगत चाजा खत्म हो जाएगी। बिस्तर गई सबताप बुराई, कदों जपते साध संगत मोहे पाई। जब संगत में आया तू
तेने दात प्राप्त हो जाएगी। तो संगत में आए हो, भागा पाले हो, गुरबाणी का शलोक है, मैं मजबूर बनावा। महाराज कहते हैं कि पाव सुहावे जो तौ तिर जुल दे, सी सुहावा चरणी मुख सुहावा जो तौ जस गावे, जियो पिया तो सारे। और मुबारक ने तेरे कदम जेने तेन गुरु घर चल के लैके आए ने, सदके हाँ कुरबान उन्होंने तो। पाव सुहावे वो पवित्र ने, पाव सुहावे जो तौ तिर जुलते जेने तेरे राहां ते चलते हैं, सिर्फ पवित्र है जिहड़ा तेरे चरणां ते झुकदा है, आत्मा पवित्र है जिहड़ी तैनूं समर्पित हो जाती है। गुरु पैरी साध सिंह जी संगत विच आ के आप ही ने गुरबाणी का कीर्तन सुनिया है। इतिहास भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का सूत प्रकाश की कथा आप जी ने शरवण की है। आओ ढाडी कला के रंग के आ के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का कल उन्हां दी जिंदगी दी पहली जंग तुहाडे सामने शुरू की है। छेवें पातशाह ने चार जंगा लड़िया ने, और सिखा का पहला काम सी, पहली जंग सी। अज तक सिखा ने तलवार नहीं सी बाई, क्योंकि अज तक जेडे गुरु नानक देव जी, कई बार एक प्रश्न उठता है और बड़े बड़े विद्वान धोखा खा गए ने, उन्होंने एक जादू नाल सरकार हुए ने। वह कहते हैं कि गुरु नानक की निर्मल धारा का मुख मोड़ दिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, मारू थल के टिप्पे वाल कर दिता, वह समझिया नहीं। तुसी सवाल कर सकते हो कि जिहड़ी तलवार गुरु हरगोबिंद साहब ने चुकी, वह गुरु नानक देव जी ने क्यों नहीं चुकी? कि उन्हां च कोई फर्क सी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरबाणी की कहती है, जो दोहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। जो गुरु नानक का सिद्धांत सी, वह छेवें पातशाह का सिद्धांत सी। गुरु नानक साहब जी ने तलवार क्यों नहीं चुकी? मैं बेनती कर दिया, सदियों तो जो कोई पंछी पिंजरे च पा दईए ना, उहदे खंभ उड़न की जात भुल जाते हैं। जब बाहर कट कोई कुत्ता बिल्ली खा जाऊगा तो जब उन्होंने दूसरा कैद कर लेगा। सो पहला लोड़ होती है जुड़त ते दलेरी भर दी, जिहड़ी गुरु नानक साहब जी ने भरी। सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेला। और बाबर नूं जावर कहने वाले गुरु नानक सन, राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगाए बैठे सुते, चाकर नहींदा पाए नकाओ रत पित कुत्ते हो चट जाओ। अहंकार कुत्ते कहने की दलेरी केवल गुरु नानक साहब जी विदेशी राज्य विच कर सकते सन। चक्कियां पीठियां दो बारी जेल कटी सैदपुर ते दिल्ली मजनू के टले उत्ते, दो बारी सिकंदर लोधी की जेल कटी है, बाबर की जेल कटी है, लेकिन सच की बाणी नानक ने आखी है। सच का समा आया तो नानक ने सच की गल कही है। और छेवें स्वरूप ने विसाखी आई है सन 1629 ईस्वी की, संगत आईया ने, गुरु साहब जी जोश पा रहे हैं कि हम समा केवल माला का नहीं रह गया, माला की राखी वास्ते शक्ति का प्रयोग करने का वक्त आ गया है। जो किसी जालम का दिन तत्तियां तवियां ने किसी महापुरख को बिठा के भी ना पिघले, तो उसके सामने फिर मासूम जवानियां घोड़ का कोई फायदा नहीं। यह हद सी, बड़ा जुल्म किया। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सबर के नाल जबर की जंग जीती है, उन्होंने जबर की कोई इंतहा नहीं रही। तो गुरु अर्जन साहब जी के सबर का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकिया। जिहड़ा पातशाह कहिंदा सी देख जागीर कहिंदा देख अर्जन मैं की कर सकदा, देख मैं की कर दिता है, मैं किदा जुल्म किया। तो गुरु अर्जन देव जी कह लगे जागीर कुछ भी नहीं, अजय तेरे जुल्म च कसर बाकी है, मजलूम की आज असर बाकी है, कितने तेरा सबर मुक जाए न जालम, मेरा तो अजे काफ़ी सबर बाकी है, मेरा तो अजे कुछ भी नहीं होया। मैं तो हूँ भी कह रहा छाती शीतल मन सुखी शब्द गोबिंद गुण गाए, तत्तियां तवियां ते बैठ के केवल गुरु अर्जन देव जी कह सकते सन। और जान के क्या कह सकते, पुत्र हरगोबिंद बेटा समा आने वाला, खूह चो पानी कढ़ना हो डोर नूं लग पाउणी पैंदी है, मणि हासिल करनी तो सप्प की सीरी मिलनी पैंदी है, नारियां दे विचों गिरी कढ़नियां तो भन्नना पैंदा है। इसे तरह बेमुख दोहा साधी है भगती पदराणी, बेमुखा सोचने वास्ते शक्ति का प्रयोग करना पैंदा है। तो शुरुआत हुई है
ਗੁਮਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਐਰਕਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। Thank you.
बचन आ दूजे नशे दे कुछ चिर लई हुंदे ने लेकिन जिहड़ा अहंकार दा राज मध्य नशा है दिमाग खराब कर दिंदा है। उन्होंने अपने शब्द ने ऐसो को जन्मे और जग माहे प्रभुता पाए जास मदना है जिहड़ा प्रभुता दा वडियाई दा माण दा रुतबे दा अहुदे दा अहंकार है वह बंदे दा दिमाग खराब करके रख दिंदा है। सिखां ने क्या आख्या ओ घोड़ियो बाज असी पकड़िया नहीं बाज ते शरण च आया ते जो शरण आवे इस कंठ लावे ये बिरद स्वामी संगत ये ते मालिक की रजा है। तो फिर भी आप अपना जीवन सफला करो ये है सिखी ये पंडित वाला राह नहीं है। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर ये है एक अवकट घाटी राम की ते चल रहे हो कबीर ये अवकट घाटी है। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते हैं मंजिल इश्क दराज अस्त ये प्यार की मंजिल बड़ी दराज लंबी है मंजिल इश्क दराज अस्त बाबा दवा रफ्त ये पैरों में नहीं तय की जा सकती। सर कदम साध तो अपने सिर में कदम बना सर कदम साध के तादा रहे यार रवि जो तू अपने प्यारे के राह पर चलना है तो फिर जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गल बड़ी आओ इत मार्ग पैर जय सिर दी जय कान दी जय तो रास्ता है। लेकिन हंकारियां ने अवैध बोल बोले सिंघां ने उन्होंने सोता सिखा ने लाता ते उस लड़ाई में ये हार के कुछ मर गए कुछ भज गए संगराणा साहब उन्होंने याद में गुरुद्वारा बनाया गया है अमृतसर च। हुण मैं गल कर लगा उस समय की जिदन लड़ाई शुरू हुई है उस तो अगले दिन बीबी वीरो का विआह सी गुरु हरगोबिंद साहब जी की पुत्री दी शादी सी 15 मई 1629 इन लोगों ने जाके फिर शाहजहां के बादशाह के कान भरे कि तुम कितने घूमते फिरते हो सिखा कमजोर ना समझो असी तो गल् सुनिया तो साढ़े तो डैल घूम गए। सिख जे कहते बाज को छो ताज का फिक्र करो अज असी बाज खोया तो कल ताज भी असर खोना है बादशाह सलामत जे इस बद्धी कान को ना रोकया तो सब कुछ रोड़ के लै जाएगी तबाह करके रख जाएगी। शाहजहां यह कन्न भरे बादशाह लोग कन्ना के कच्चे होंगे ने उसने अपने जनरेटर बुलाया उसने अपने सिपाहियों बुलाया सदके दरबार के गुरु हरगोबिंद साहब जी के उस वेले जेडे अपने बच्ची के कार्ज में रुझे हुए सन विआह रुझे हुए सन आनंद कार्ज की तैयारी में सन तो यह कोई गुरु साहब जी की कोई तैयारी नहीं सी जंग नहीं सी वो समझ समझ के कम खत्म हो चुका पर अज जिस वेले बादशाह ने दसिया कलीज खां पंजाब का गवर्नर उसने बादशाह के कन्न भरे तो भरे दरबार के सद के अपने जनरल बादशाह कर रहे Oh,
गया।